सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। 10th क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24। बेलन जो क्षितिज धरातल पर स्थिर खड़ा है का सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ। वृत्त का व्यास 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो हमें एक बेलन दिया हुआ है। बेलन की परिभाषा आपने पढ़ लेनी है परिभाषाओं में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक्स वाई रेखा लेंगे इस तरह से। ये हमारी है एक्स वाई लाइन है और हमें दिया हुआ इसमें जो बेलन होता है उसका हमें व्यास दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो हमने इसका सेंटर लेना है 4 सेंटीमीटर। बीच में हम इसमें बीच ले लेंगे इसका, लगभग यहाँ पे इसका सेंटर आ रहा है। तो यहाँ से हमने 4 सेंटीमीटर लेना है, वो 2 सेंटीमीटर एक साइड और 2 सेंटीमीटर दूसरी साइड। यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह से, ये हमारा 4 सेंटीमीटर, ये हमारा व्यास दिया हुआ। अर्थ व्यास दिया होता तो हमने 2 सेंटीमीटर लेना था, ये व्यास दिया हुआ तो हमने यहाँ से लेना है 4 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने नीचे को लेना है 1 सेंटीमीटर, डॉटेड हम लेंगे इस तरह से एक। यहाँ हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे क्योंकि हमने 4 सेंटीमीटर व्यास है, तो 2 सेंटीमीटर तो इसका घेरा आएगा। हम यहाँ से लगभग 2.5 या 3 सेंटीमीटर तक हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये हम ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर यहाँ से नीचे को। ये हमने 3 सेंटीमीटर इसलिए लिया है क्योंकि जब हम 2 सेंटीमीटर प्रकार खोल के सर्कल लगाएंगे तो ये हमारी जगह फिर कवर हो जाएगी इस तरह से। अब ये देख सकते हैं ये हमारा है 4 सेंटीमीटर है इस तरह से, यहाँ देख सकते हैं इसका हमने सेंटर लेना है। ये हमारा सेंटर 2 सेंटीमीटर है, तो व्यास, ये हमारा व्यास आ चुका है 4 सेंटीमीटर, सॉरी आपका, हाँ ये हमारा व्यास आ चुका है 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने 2 सेंटीमीटर प्रकार खोल के हमने, आप देख सकते हैं देखिए बिल्कुल यहाँ पे हमने सर्कल लगाना है। इस तरह से ये जो हमारे पॉइंट है, ये है हमारा ए, ये हमारा है बी पॉइंट है। इस तरह से ये बेलन है, तो बेलन के जो ये ए का प्रोजेक्शन यहाँ पे आ रहा है, ये ए हम यति के साथ लेंगे, ये बी का प्रोजेक्शन आ रहा है तो ये बी भी हम यति के साथ लेंगे। इसी तरह से इसकी हाइट जो दी हुई है वो हमें 4 सेंटीमीटर दी है, तो यहीं से हमने 4 सेंटीमीटर जो है वो ऊपर लेना है यहाँ से, यहाँ से आप देख सकते हैं और ये बिल्कुल हमारा डार्क आएगा इस तरह से, और यहाँ पे भी हमने 4 सेंटीमीटर लेना है इस तरह से। हमने यहाँ पे सेट स्क्वायर का प्रयोग नहीं किया है क्योंकि ये लाइनें हमने वो पहले ले रखी थी, तो इसी को ही हमने आगे बढ़ाया। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये बिल्कुल हमारा 4 सेंटीमीटर है, ये हम यहाँ पे इसको इस तरह से मिला देते हैं। और ये हमारा है सी और ये हमारा है डी इस तरह से। ये आपका प्रश्न नंबर 24 है, ये हमारा बनके तैयार हो गया है इस तरह से, ये बन जाएगा।